मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अब मैं कैसे बनाऊँ उससे कैसे? अब जैसे मैं किसी को लाइक करता हूँ तो उससे मैं कैसे, मतलब उसे बताऊँ मैं, या क्या क्या करूँ मैं उसे? देखो फर्स्ट थिंग तो क्या है कि गर्लफ्रेंड होनी क्यों चाहिए, ये तुम्हारे पास इसका कंक्लूजन होना चाहिए कि आखिर मतलब अगर मेरा मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। मतलब अगर तुम लिटरली लाइक करते हो तब तो चलो कोई बात नहीं कि ठीक है मैं लिटरली लाइक करता हूँ, लेकिन अगर हम सिर्फ भीड़ के साथ मतलब एक फॉलो करके कि उसकी गर्लफ्रेंड है मतलब 99% लोगों की गर्लफ्रेंड है और 99% लोगों की बॉयफ्रेंड है इसीलिए मुझे बनाना है, तो वो चीज़ गलत है पहली चीज़। ठीक है, तो पहले तो ये सोचो कि क्यों बनाना है। सेकेंड, अगर आप रियली में लाइक करते हो तो देखो एडोलेसेंस एज ऐसी होती है ना, या कोई भी एज होती है, किसी भी एज में समबडी नीड समवन है ना, और इट्स नॉट अबाउट, जैसे आजकल मेरे ऐसे डिस्कशन हो रहे हैं लोगों से, जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो फिजिकल नीड होती है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, वो ज़रूरी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास की बात है किसी ने वो जो लिखा है, या क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तुम पशु नहीं हो, कि जो तुम्हारी हमेशा फिजिकल नीड रहे, फिजिकल नीड से हमेशा जो ज़्यादा होता है वो मेंटल, यू नीड समबडी। मतलब जब तुम स्ट्रेस, सोच के देखो, इमेजिन करो कि अगर तुम बहुत स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो तुम्हें बोलने के लिए कोई चाहिए ना, तो फिजिकल नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है या मेंटली यू वांट समबडी? अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें मेंटली कोई चाहिए, कोई ऐसा समवन स्पेशल, वो पूरी दुनिया में एक, जिससे तुम ऐसी बातें कर सको जो तुमने पहले किसी से कभी ना की हो, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप शुड बी देयर। ये चीज़ है, स्टॉप करो, हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये लड़की मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है? कि एक्चुअली देखो, जो रिलेशनशिप्स होती है ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील तो होती नहीं है लाइफ की, इट्स सिंपली अ रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि जैसे तुम्हें शादी करनी है या प्यार करना है तो पहले पूछो तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम ये हो, तुम वो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे फ्रेंडशिप हमारी किसी से भी हो जाती है ना, उसी तरह मतलब हमारी वाइब्स होती हैं, तो हमारी वाइब्स उस, यार दुनिया में हज़ारों लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं कि सबको ऐश्वर्या राय ही पसंद है, ऑल दो शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड है ना, ज़रूरी नहीं सबको सुष्मिता ही अच्छी लगे, सबकी अपनी वाइब्स होती हैं, सबके अपने अपने कनेक्शंस होते हैं, कुछ पुराने टाइम के कनेक्शंस होते हैं, कुछ आप माने ना माने, कुछ ना कुछ होता है ऐसा। तो ऐसा तुम्हें अगर कोई अच्छा लग रहा है ना सिंपली फ्रॉम विद इन हार्ट, तो ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो समटाइम्स, एंड फ्लो में जाने के बाद वो कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं चलेगा, इट तो इट डिपेंड्स है ना, बट ये है कि आप उसको पहले से ही वो डील ना समझ के नॉर्मल, आप जो उस मोमेंट है ना, एट द मोमेंट उसको इन्जॉय करो, बिकॉज एट लास्ट क्या मेमरीज बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी क्लास में बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, उस टॉपर्स ने ना तो कोई फ्रेंड्स बनाए होते हैं, ना कभी उनको क्लास से बाहर निकाला होता है, ना पनिशमेंट मिली होती है, और जब वो पास आउट हो जाते हैं तो क्या होता है, कोई मेमरीज ही नहीं होती उनके पास, होता है ना। तो उसी तरह लाइफ की जो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मेमरीज बनती हैं। देखो बाद में शादी होना नहीं होना, हमेशा साथ रहना, ये हमारे डिसीजंस कभी होते ही नहीं है लाइफ में, ये डिसीजन, क्योंकि सब कुछ हमारा डिसीजन होगा ना, तो फिर भगवान की तो ज़रूरत ही कहाँ होगी। व्हाट यू थिंक अबाउट ब्रेकअप? क्या ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप तो वर्ड ही मुझे समझ नहीं आया आज तक, और ना मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ आया पर्सनल लेवल पे। ऑल्दो ठीक है, आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग एज अ टीचर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं हमेशा इस चीज़ में बच्चों के क्लोज रहती हूँ, और बच्चों को हमेशा लगना चाहिए कि योगिता इज़ देयर फॉर देम ऑल द टाइम। तो ब्रेकअप का ये चीज़ होता है यार, ठीक है आपके अपने, आपको लग रहा है कि जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है ना, कि भाई अब तो ऐसा हो गया कि तुमने ब्रश कर लिया, तुम बाथरूम जाके आ गए, तुम ये हो गया, और तुम इरिटेट होने लगे, मतलब दोनों में से एक भी अगर इरिटेट हो रहा है, देखो तुम किसी से दोस्ती करते हो या तुम किसी के साथ रिश्ते में होना, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे मन में हमेशा एक खुशी रहनी चाहिए, तुम एक अलग वाइब्स में रहने चाहिए, हमेशा हैपनिंग, ऐसा लगता है जैसे तुम उड़ रहे हो। अब ऑन द अदर हैंड तुम्हें फील होने लगे कि यार ये तो अब एकदम बर्डन जैसा फील होने लगे ना, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, आपको उस चीज़ को छोड़ के मूव ऑन करो। और अगर तुम्हें लगता है कि वो गर्लफ्रेंड से वापस फ्रेंडशिप वाले जोन में आ सकती है, या बॉयफ्रेंड से वापस फ्रेंड वाले जोन में आ सकता है, तो इससे ज़्यादा मैच्योरिटी तो दोनों में हो ही नहीं सकती, तो अगर वो कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो ठीक है, दैट्स फाइन। बेस्ट फ्रेंड बनानी चाहिए कि नहीं? या बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, मतलब पता है क्या होता है, जैसे मेरी, मैंने कितनी बार देखा ऐसे गधों जैसे लड़के आते हैं, आई एम सॉरी टू से, कुछ लड़के, और फ्रेंडशिप करोगे, मैं तो व्हाट द हेल यार, पहली बात है तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। फ्रेंडशिप या प्यार, ये चीज़ें हो जाती हैं ऑल ऑफ सडन, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स, इट्स नॉट अबाउट प्लानिंग करके नहीं करते हम चीज़ें, वो अपने आप हमें अंदर से पता चल जाता है।
तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट फ्रेंड का भी सीन यही होता है कि क्लास में तुम्हारे 50 बच्चे उसमें से कोई एक होता है जिससे तुम्हारी वाइब्स मैच हो, तुम्हें लगता है यार ये मेरा बंदा मतलब मस्त है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। तो होना चाहिए ऐसा कोई ट्रू फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड जिससे तुम सारी चीज़ें, इनफैक्ट जैसे सपोज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके बारे में भी तुम्हें कोई चाहिए बताने के लिए, तो जाके यू कैन शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड कि यार आज मुझे मिली थी, आज हम वहाँ पे गए थे, आज हमने इतना इन्जॉय किया, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। उसी तरह तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, और बेस्ट फ्रेंड का ये सीन रहता है ना, देखो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में क्या सीन रहता है कि आपकी कमिटमेंट रहती है, तुमने इस टाइम खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, उस टाइम फ़ोन नहीं आया तो तुम दोनों गुस्सा हो जाओगे एक दूसरे से। बेस्ट फ्रेंड वाले में ऐसा नहीं है, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी कभी कभी एक साल में एक बार बात होती है, कभी दो साल में एक बार बात होती है, बट हमारा वो सीन नहीं है कि हम गुस्सा हो जाएंगे, हमें पता है कि हम हमेशा कनेक्टेड हैं, और हम साल में एक बार भी अगर बात करें तो उसी प्यार के साथ बात करेंगे बेस्ट फ्रेंड से। तो ये दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉन्ड कि सेल्फलेस बॉन्ड, हमारा एक दूसरे से ऐसा कुछ लेना देना गिव एंड टेक नहीं है कि तुम्हें उसको कुछ देना है या मुझे उसको कुछ देना है, जस्ट बॉन्ड ऑफ लव, मतलब एक प्यारा सा स्वीट सा रिश्ता बेस्ट फ्रेंड।